सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता सोनी एक बार फिर से जी मेरे न्यू ब्लॉग में मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे। जी सांस फूल रही है। तो गाइज, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था ना, वो आज आ गया है। आज विधानसभा के इलेक्शन है तो हम लोग चल पड़े हैं वोट देने। तो मैं निकली हूँ अभी, अपने घर के पास निकली हूँ। तो ये देखिए पीछे धार है हमारी, फटाफट से आई, सांस फूल गई। तो आज जितने भी प्रत्याशी है ना, पता नहीं कौन बाजी मारता है, धड़कने तेज़ हो गई है। ये तो अब 8 दिसंबर को पता लगना। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं हम, टाइम हो गया है 1 बजे में। तो वो देखिए पीछे भी जा रही है, घर का सारा काम काज करके आए हैं ना। तो फिर वो तो थोड़ा सा वहाँ पे भी रेस्ट किया, थोड़ा बातचीत सुनी। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अभी, बाकी चला गए हम लोग, चल पड़े हैं अब। तो आए वो ही, ये देखिए ये मेरी जेठ की बेटी है जी। तो ये देखिए गाइज हमारा विलेज, और ये जो धार जैसी दिखाई पड़ रही है हमारे घर के ऊपर है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। क्या हुआ? अच्छा जी, ये देखिए जी, आशा रानी अभी खाना बना रही है ऊपर को, मेरे को बोल रही है भाई अभी इंतजार करो मम्मी, ऐसे डेंजर रास्ते में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, और इधर उधर का व्यू कुछ उस तरह का है। और ये जा रहे हैं मेरे पति देव जी। ये देखिए नीचे को, इधर वाला हमारा पड़ोसी विलेज है। और वो देखिए जी, तो ये देखिए गाइस हमारे किस तरह का ढांग है। और यहाँ ना लेडीज घास निकालती है, तो देखिए घास कटा हुआ है, और जहाँ नहीं जा सकते ना वहाँ नहीं कटा हुआ। तो ये देखिए कैसा भयंकर वाला रास्ता है हमारा, यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। और नहीं बात वालू, यहाँ देखिए कैसा भयंकर रास्ता है। अगर हमारे को ये रास्ता अच्छा देंगे करके ना, हम उन नेताओं को वोट देंगे जी, जो हमारे रास्ता सही करके दे। ये देखिए जी, यहाँ का घास बचा है से काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डंकार बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ध्यान से चलना पड़ेगा। डेंजर रास्ता है, बड़ी मसा मसा निकली यहाँ से जी। सो गाइज, पूरा हमारा पोलिंग बूथ, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोगों ने पहुँचना है। और ये देखिए जी, कुछ लोग आ भी गए हैं, हम लोग जा रहे हैं परे की तरफ। लगभग 15-20 मिनट लगने हमारे को यहाँ से पहुंचने के लिए पोलिंग बूथ पर। तो पाँव में कुछ ठीक नहीं लाई हूँ मैं पहन के आज। हम लोग पहुंच गए हैं पोलिंग बूथ पर। तो ये देखिए नीचे को कितना सारा रश है यहाँ पे,
बहुत ज़्यादा रश है, वो इस भीड़ में खड़ा होने पड़ेगा। जब हमारी बारी आएगी तो वो डालेंगे वीडियो बन जाऊँ। तो ये देखिए मेरे को बोला वीडियो में लगाओ तो पानी पी लीजिए, मेरे जेठ की बेटी है जी। ठीक है जी, हो जाते हैं अब खड़े। हमारे छोटे छोटे नन्हे एनसीसी वाले अपनी सेवाएं दे रहे हैं पोलिंग बूथ पर। सो ये देखिए जी, आगे बोर्ड देखे, ये तो कहने से जुआ कल तो चीनी खाने बाहर दिखा कि भाई बोर्ड जिया हुआ है बंदे। यहाँ देखो दिखा, हाँ, दिखा। पढ़ा दिखाई पढ़ा ना तो भी होगे। ये देखो हो गए तीन तीन, अब लगा ना पता। ये देखिए हम लोग पहुंच गए अपने शिल में किधर। तो ये देखिए वाला थैला है मेरा और ये मेरी हेल्प कर रहे मेरे भाभी जी। यहाँ देखिए जी गुड मॉर्निंग जी। तो ये है जी ब्लॉग का नेक्स्ट डे, क्योंकि पिछले कल आते आते ना वीडियोज़ बनाना भूल गई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया आलू बॉयल और उसके बाद मुझे निकालने इसके छिलके। तो मैं बना रही हूँ परौंठे, तो ये बन के रेडी होगी मेरी स्टफिंग। तो मुझे बनाने हैं 6-7 परौंठे। तो मेरी ये परौंठे हो गए हैं जी बन के रेडी। ये देखिए रेडी हो गए मेरे परौंठे और अब मुझे करना है ब्लॉग का एंड। तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं जी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगी मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक